आउटसोर्सिंग के तहत लगे हुए कर्मचारियों का 4 महीने से वेतन न मिलने पर कर्मचारियों ने सामान्य अस्पताल मथाना में डिप्टी सर्जन कार्यालय के सामने धरना किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 4 महीने से उनका मानदेय बकाया है और इस बारे में जब उच्च अधिकारी व कर्मचारियों के ठेकेदार से बात करते हैं तो बजट 9 का हवाला दे दिया जाता है। इस बारे में डॉक्टर शैलेंद्र खंबरा से बात की गई, चलिए आपको दिखाते हैं। प्रदर्शन कर रहे आउटसोर्सिंग कर्मचारी और डॉक्टर शैलेंद्र ने इस मामले में क्या कहा। ये बता रही है कि हम रोजगार दो रहे हैं, दूसरे आउटसोर्स के हम लग रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, मेरे जाकर तो रोजगार मतलब उस पर आ गया सड़क पे, तो उसके बाद हम क्या करें, किधर जाएं, किसके उस पर जाएं। सीएमओ कह रहे हैं कि नहीं आप आउटसोर्सिंग में हैं, तो एसएमओ कह रहे हैं आउटसोर्सिंग में, हम क्या करें क्या ना करें। तो जैसे आपकी प्रतिदिन अटेंडेंस भी पूरी ऊपर चंडीगढ़ तक जा रही है, तो इसमें ऐसा क्यों? पता नहीं सर जी, क्या सब 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 ये कह देते हैं कि आप आउटसोर्सिंग पे हैं, मतलब कोई जवाब नहीं आ रहा है, वो कह देते हैं कि ऊपर से बजट नहीं आ रहा है। सर जी हम क्या करें क्या ना, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। सर क्या चाहते हैं? हम सर चाहते हैं कि आपने टाइम पे सैलरी मिले, हम प्रार्थना करते सोचते मतलब से कि हमारी सैलरी टाइम पे पहुँचाई जाए। तो अगर सैलरी टाइम पर नहीं मिलती तो क्या करोगे? हम अपना मतलब जो भी होगा ठोस कदम उठाएंगे, मतलब हड़ताल करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसके बाद तो अपनी प्रार्थना है जी निर्विज को, रणवीर सियासी मथाना। 3-4 महीने हो गए हम इस समस्या को झेल रहे हैं, स्कूल से हमारे बच्चे निकाल दिए गए हैं सर, स्कूल में बच्चों की फीस नहीं गई, फीस के कारण वो पेपरों में बैठने नहीं दिए जा रहे। तो आप कहाँ लगे हुए और कौन सी कंपनी में काम कर रहे? सर हम यही गांव मथाना में लिवनेस कंपनी में हॉस्पिटल में आउटसोर्सिंग के तहत लगे हुए हैं। कौन से हॉस्पिटल में? गांव मथाना सीएचसी। सीएचसी मथाना। क्या क्या समस्या आ रही है आप? सर यहाँ यही ज़्यादातर यही समस्या है सर, सैलरी की समस्या शोषण किया जाता है यहाँ, सैलरी के नाम पर शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारा जी। और सर यहाँ आप क्या चाहते हो? सर हम यही चाहते हैं कि टाइम पर हमारी तनख्वाह आए और हर महीने हमारी तनख्वाह आए, हम बच्चों की फीस दें, हमारे बच्चे भी पढ़ सकें, घर का राशन पानी आ सके सर। सर अगर हमारी सैलरी ना मिली तो हम इसके लिए बहुत कठोर कदम उठाएंगे, हम स्वास्थ्य मंत्री पे जाएंगे, तो अभी काम ना हुआ तो हम हड़ताल करने के लिए मजबूर होंगे सर। आपका नाम क्या? सर मेरा नाम मनदीप है। देखिए इस बार की आउटसोर्सिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जी, प्राइवेट कंपनी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है लिंक्स मैन पावर सप्लायर, इस साल गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज की है और ये सारे बिल जो हैं हमें केवल अटेंडेंस भेजनी है, बिल सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा पास किए जाने हैं और मैं लगातार यहाँ से अटेंडेंस भिजवा रहा हूँ यहाँ से, और मैंने अपने स्तर पर प्रयास भी किया है सिविल सर्जन, क्योंकि ये मेरे को भी मिलते हैं, इनको मैंने बताया कि पिछले साल तक पेमेंट मैं करता था तो आप मुझे बोल सकते थे। अब मैंने गवर्नमेंट को हमारे डायरेक्टरेट में भी बंदा भेजा था, वहाँ बजट इस टाइम स्टेट के पास उपलब्ध नहीं है, जैसे आएगा वो उसी टाइम पैसे सारे निकाल। तो लगातार इनके 4 महीने से सैलरी ना मिलने से बच्चे स्कूल से निकाल दिए गए, तो आप निश्चित ही कंप्लेंट क्यों नहीं करते? नहीं निश्चित ही, लेकिन ये बजट का प्रावधान बनाना मेरे हाथ में नहीं है, ये सरकार मंत्री जी या विधानसभा से पास होता है, वो वहाँ पर कहीं दिक्कत आ रही है। अगर एकाधे व्यक्ति की कोई दिक्कत होती तो मैं पर्सनल तौर पर मदद कर देता। तो 35 से 40 वर्कर हैं जो आपके यहाँ काम करते हैं? हाँ लगभग मेरे पास यहाँ पे 35 हैं और 2 पीएचसी पे लगे हुए हैं, टोटल 37 हैं। तो इसके बारे में आप ऊपर कब बात करोगे सर? मैं इनको भी पता है, लगातार मैं बात कर रहा हूँ, कल भी मैंने बात की है और कल आज शनिवार इतवार है, आज ऑफिस में कोई नहीं होगा तो लगातार में फिर बात करूँगा। बहुत ही परेशान हो रहे हैं, अगर इसके बात नहीं गए तो आपकी पीएचसी में प्रदर्शन करने के लिए भी उठ सकते हैं ये निकल दावा। नहीं देखिए मैं तो चाहूँगा कि ये लोग काम कर रहे हैं, इनको पैसा समय पे मिले, कोई भी सैलरी समय पर ना मिले, हम सरकारी कर्मचारी हैं, हमें एहसास है कि जब हमारी सैलरी रेगुलर तौर पे ना 1 महीना 2 महीने नहीं आती तो हमें कितनी दिक्कत होती है, इनकम टैक्स वाले महीने में जब इनकम टैक्स के हमें जमा करने की वजह से सैलरी लेट मिलती है, तो मैं इनका एहसास कर सकता हूँ, इनकी तकलीफ को समझ सकता हूँ, लेकिन एक आधे की मदद कर सकता हूँ, इतने लोगों की तो मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं कर पाऊँगा। तो लिखित रूप में आप ऊपर भी दे सकते हैं? लिखित में मैं लगातार भेज रहा हूँ, इसका रिकॉर्ड मेरे पास उपलब्ध है, ना सिर्फ रिकॉर्ड में लिखित में भेजता हूँ बल्कि मैं टेलीफोन पे खुद बात भी करता हूँ।
जी आपका पूरा परिचय और क्या पद आपका है? मैं डॉक्टर शैलेंद्र खामरा हूँ, सीनियर मेडिकल ऑफिसर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मथाना। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।